ये एक बहुत सही कदम है जो बहुत पहले उठा लिया जाना चाहिए था। देखिए, जो लोग विदेश यात्रा पर जाते हैं उनको पासपोर्ट देने पर सरकार को जितना पूरा खर्च होता है वो पूरा खर्च पासपोर्ट लेने वाले लोगों से ही वसूल करना किया जाना बहुत वाजिब बात है, और इस दृष्टि से ये सही कदम है। वैसे असली बात तो ये है कि इसको इंस्टॉलमेंट्स में जारी करने वाला लागू करने वाली बात समझ में नहीं आई। एक सही निर्णय है, उसको एक मुश्त लागू करना चाहिए, क्योंकि मैं तो नहीं सोचता हूँ कि इसका कोई सैद्धांतिक या व्यवहारिक या राजनीतिक किसी भी स्तर पर विरोध होना चाहिए। पर एक बात और है कि हमारे यहाँ से प्रतिभा का पलायन होता है, उसे रोकने का तो कोई तरीका संभव नहीं है, पर कम से कम उनसे कुछ वसूली तो की जाए। इसलिए पूरे खर्च का अनुमान लगा करके अगर इसको बढ़ाना भी पड़े तो मैं उसे उचित समझूंगा। लोग जो जाते हैं वो व्यवसाय के लिए जाते हैं या रोजगार के लिए जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, तीनों वर्ग ऐसे हैं जो इस खर्च को आराम से वहन कर सकते हैं, और ये ज़रूरी भी है कि वो इससे वहन करे। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर इसमें कुछ अतिरिक्त कर लगा करके इसको बढ़ा करके उनसे कुछ वसूली का जरिया एक अप्रत्यक्ष रूप से एक कर का तरीका भी बने तो ये सही होगा। अब तो वो गैर ज़रूरी हो गया, क्योंकि सबको तथाकथित सेशन कार्ड मिल चुका है, इलेक्शन वाला जो परिचय पत्र है वो सबको मिल चुका है, और अब तो सरकार ने कहा गया कि उसको कंपलसरी करके सब लोगों को देने वाले हैं, क्योंकि वो विदेशी घुसपैठ रोकने के लिए भी। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि इस दृष्टि से ज़रूरी है, पर किसी को अतिरिक्त चाहिए तो अतिरिक्त कर अतिरिक्त लागत दे। आप हमें ये बताइए कि आपका थीम इस टाइम जो थीम रखा है कि ब्रिजिंग द गैप डिजिटल एंड डेवलपमेंट, ये थीम आपने क्यों चूज़ की? हमारी जो थीम है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड डेवलपमेंटल डिवाइड इज बेसिकली हमारी जो थीम है वो है ब्रिजिंग द डिजिटल एंड डेवलपमेंटल डिवाइड। हमने ये थीम इस कारण से चूज़ की है क्योंकि हमें लगता है कि एक स्थिति आ गई है जहाँ पे ये माना जाता है कि ऐसे कई देश होंगे, ऐसे भारतवर्ष में कई वर्ग होंगे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से या डिजिटल कनेक्टिविटी की वजह से आगे बढ़ते जाएंगे, और जिनके पास ये सहूलियत नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं होगी, वो पिछड़ते जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इसको एक तरह से इसका एक फ़ायदा, डिजिटल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेके डेवलपमेंटल एक्टिविटी में इसको किस तरह से बदला जाए और डेवलपमेंट एक्टिविटी किस तरह से बढ़े। तो हमारे विचार में ये है कि डिजिटल डिवाइड जो आज लोग जिसकी चर्चा करते हैं, बात करते हैं, वो एक एक डिजिटल यूनिटी बन सकती है यदि हम अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा आगे बढ़ाएं। इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को डिजिटल तरीका से आगे बढ़ाएं? देखिए, जैसे आज हमारे देश में टेलीफोन डेंसिटी बहुत कम है, हमारे देश में इंटरनेट कनेक्टेड जो कनेक्टिविटी है बहुत कम है, और देशों के मुकाबले में बहुत कम है। तो हमारी ये इच्छा है कि ये जो टेक्नोलॉजी आज हमारे सामने है, इससे हम गांवों में, छोटे शहरों में जा सकते हैं जहाँ पर टेलीफोन भी और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी की जा सकती है, और उसके द्वारा वहाँ पर जो किसान हैं या और लोग जो रहते हैं, ई गवर्नेंस भी हो सकता है जब ये कनेक्टिविटी वहाँ की। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इससे ये जो एक तरह से जो डिजिटल डिवाइड है वो एक डिजिटल यूनिटी बन सकती है।